वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज हम जा रहे हैं बादशाह इस्तांबुल तुर्की और मेरे साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे पार्टनर रेहान। हेलो गाइस। और हम लोग आज आप लोगों से शेयर करेंगे वहाँ का फूड एक्सपीरियंस और इसके अलावा आप लोगों ने जो वीडियो पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और हमारे साथ रहिएगा लास्ट तक। अभी हम लोग पहुंच गए हैं और ये आप देख सकते हैं इनका रूफ टॉप पे इनका सारा है और नीचे बैतुल अरब मंदी भी, बादशाह इस्तांबुल बैतुल अरब मंदी सेम है। और राइट लेफ्ट देख लें ये इसका सारा है, ये मरकज़ है F7 मरकज़, ये मेन एंट्रेंस है। अभी अंदर चलते हैं, क्या खूबसूरत इनका माहौल है। इनका फर्स्ट फ्लोर है, हाँ अभी ऊपर चलते हैं, थर्ड फ्लोर पर हम लोगों ने जाना है। ये मैं अंदर आई हूँ और ये देखिए कितना प्यारा, वाओ। ये आगे जाते हैं, मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये देखिए ये है बाहर वाला सारा एरिया और कितना खूबसूरत है। ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे आप तुर्की आए में हो, इतनी खूबसूरत यहाँ की एम्बियंस है। और ये बर्थडे डेकोर हुआ हुआ है इस वॉल पे, ये देखें बर्थडे सेलिब्रेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे फाउंटेन बहुत प्यार लग रहे हैं, ये देखें कितने प्यारे कलरफुल से। आप में से जो लोग अभी तक नहीं आए ना इस्तांबुल की वाइब्स लेने के लिए, पूरी तुर्की वाला सारा यहाँ पे, ये आउटडोर सिस्टम है और यहाँ पे देखें कितना इंडोर भी है इनकी जगह में। इंडोर बैठने के लिए हम लोग जा रहे हैं, पहले हम आउटडोर आए थे। ये आ गया हमारा खाना, ये हमने अदाना कबाब, ये तुर्किश डोनट और ये फलाफल विद हुमस। डांस स्माइल करो। मैं आपको चिकन डोनर अंदर से चेक कराती हूँ। ये देखिए चिकन की फीलिंग हुई हुई है और इसके अंदर फील किया हुआ है सलाद और वो मायोनीज, कोई भी जो सॉसेस होती हैं उनकी, वही उसी के साथ। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ फलाफल विद हुमस और इसके साथ उन्होंने दी हुई है ये सलाद के पत्ते हैं और वो ये ब्रेड सर्व करते हैं, तुर्किश ब्रेड रोटी बोलते हैं ये तुर्की में ना, मतलब इसको ब्रेड रोटी इनकी सेम होती है और दूसरी इनकी और भी ब्रेड होती है, लेकिन ये फलाफल के साथ जो सर्व करते हैं ना वो ये वाले करते हैं। तो अभी एक मज़ेदार सी बाइट बनाते हैं। अभी मैं सॉस के साथ ये फ्राइज ट्राई कर रही हूँ, ये बहुत टेस्टी है, ये दाना कबाब की जो सर्व की है ना डिश है देखिए वाली, और इसके साथ मैंने फ्राइज भी सर्व किए हुए हैं। अभी कबाब ट्राई करती हूँ। ये मैंने अपनी
प्लेट बना ली है, राइस भी डाल ली है, अभी मैं इसको ट्राई करूँगी। जो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए इस्तांबुल की वाइब्स लेने के लिए, तो लास्ट में एक बार इस विज़िट करें इस रेस्टोरेंट को, आप लोगों को होपफुली बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत टेस्टी, बहुत जूसी और टेंडर है ये। अभी मैं आपको विज़िट कराती हूँ अल कहवा अल अरेबिया पे। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी है केक्स की, पेस्ट्रीज की, और ये बुफे है। यहाँ पे इतना खूबसूरत लग रहा है ना, बर्तन भी उसी स्टाइल में है, बहुत और ये सारा इंडोर एम्बियंस है। यहाँ पे ये फैमिलीज नीचे बैठी हुई हैं। करवाए है 2-3% के लिए है, और दूसरा है 5-6% के लिए नट पे। और ये देखें, ये किसी की बर्थडे है और ये कढ़ाई बन रही है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ऑर्डर की है। अभी हम यहाँ की स्वीट्स ट्राई करने लगे हैं। हमने मंगवाया है कनाफा, क्रीम कनाफा। यहाँ पे हमने स्पेशल ये कहवा, और यहाँ पे मिल्क केक, और मोकाचिनो कॉफ़ी। टर्किश क्रीम केक के साथ ही क्रीम मिल्क सर्व किया है, और इसको उसके ऊपर डाल के हम ट्राई करते हैं। और अभी मैं ट्राई करने लगी हूँ कुनाफा, और मैंने क्रीम कनाफा मंगवाया। वैसे इनमें तीन फ्लेवर थे, नुटेला कनाफा था, क्रीम चीज़ कनाफा था, और क्रीम कनाफा था। मैंने क्रीम कनाफा मंगवाया है। ये देखिए इस तरीके से है, देसी घी की खुशबू आ रही है। मैं इसको ट्राई करती हूँ, खाओ। ये देखिए फुल भरा हुआ, आला। इन्होंने अगर ट्राई किया होगा ना तुर्की जाकर, उनको बेस्ट पता होगा। लेकिन ये भी टेस्ट बहुत आउट क्लास है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और ये है इनका बाहर का माहौल रात के टाइम भी। आप लोग देख लें, जिन्होंने वीडियो लास्ट तक वॉच की है और चैनल पे न्यू है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें डीएम करने के लिए और प्यारी प्यारी रील्स देखने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सर क्या है ये बना।